प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया है। इसके तहत देश भर के 1309 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। पहले चरण में बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात तेलंगाना में 21 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे, उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन्स के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा।